वर्क डन एफ फैक्टर डॉट एस फैक्टर पहला. दूसरा फॉर्मूला या दूसरी चीज कि वर्क डन फ्रिक्शन के केस में नेगेटिव है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्सेज हैं, जितनी अपोजिंग फोर्सेज हैं उनमें वर्क डन नेगेटिव है. तीसरा कॉन्सेप्ट है जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करेगी, उसका नेट वर्क डन जीरो है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, टेंजेंशियल, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, तो वर्क डन की वैल्यू क्या है जीरो. कोई अगर पेंडुलम भी मूव कर रहा है तो भी उसकी फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, टुवर्ड्स सेंटर, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहे पेंडुलम में लग रही है चाहे वो सर्कल में लग रही है कहीं भी लग रही है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो ही करेगी. नेक्स्ट है अगर आपको एफ वेक्टर गिवन है, एस वेक्टर गिवन है, डॉट प्रोडक्ट निकाल के आप वर्क डन की वैल्यू को निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, फोर्स और एक्स के ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा. जैसे इसमें वर्क डन क्या होगा, इन सबका एरिया माइनस इसका एरिया, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा. तो जितने क्वेश्चन एफ एक्स के हैं सिर्फ एरिया निकालना होता है, वर्क डन आता है. जैसे ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया एफ एक्स ग्राफ में उसका क्या देगा, आपको वर्क डन देगा. एनर्जी में पोटेंशियल काइनेटिक है जो हम स्टडी करेंगे. पोटेंशियल में या काइनेटिक में सबसे पहले हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, ये सबको पता है. काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m, नोट कर लो, ये आएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल. हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m या क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2mk, पी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2mk, ये नोट कर ले. ठीक, नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ ना कुछ जरूर आएगा. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपने फोर्स लगाई और वेलोसिटी बढ़ के यू से वी हो गई तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू एफ इंटू एस है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, याद रहे. दूसरा, अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है और मान लो उसकी वेलोसिटी 4 meters per second से सिर्फ 1 meter per second रह गई, इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन है जिसने आपके एनर्जी को कम किया. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मान लो बॉडी का मास 5 kg है, तो हाफ इंटू 5 × 1 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 5 × 4 का स्क्वायर. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है, नेगेटिव. तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ से आंसर आएगा. तो जब फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं तो कैसे लगेगी वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रिक्शनल फोर्सेज पे ज़्यादा आती हैं वैसे, और वैसे कैसे लगेगी मैंने आपको बता दिया. करना कुछ नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ई जो भी होगी वो कितनी हो गई, अब पहले ई थी रादर, अब कितनी हो गई, पहले ई थी, अब कितनी हो गई 4e. 100% बढ़ने का मतलब डबल होना, 200% बढ़ने का मतलब ट्रिपल होना, और 300% होने का मतलब 4 गुना ज़्यादा होना. तो परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा ये निकालना है. पहले एनर्जी ई थी, मोमेंटम पी था, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 2ma. अब एनर्जी कितनी हो गई, 4e हो गई, मोमेंटम क्या हो गया, पी डैश हो गया. तो यहाँ से पी डैश की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू कितना, 4e. तो यहाँ से पी डैश माइनस पी बाय पी इंटू 100 कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाएगा. पी डैश और पी को यहाँ पे आप निकाल लें. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक, तो यहाँ से आंसर आएगा. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट इसमें करना है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MgH फॉर्मूला है. कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव में अगर कोई मान लो वर्क डन किया जाए और बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड ना हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड हो, तो फोर्स कंजर्वेटिव है, और अगर पाथ पे डिपेंडेंट हो तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है. फ्रिक्शन में अगर वर्क डन किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव है, और ग्रेविटी में जब किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया जाता है, तो कंजर्वेटिव है क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. कंजर्वेटिव की पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी बॉडी को लेके जाएंगे और दूसरे से पहले पे लेके आएंगे किसी भी रास्ते से, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव में जीरो रहेगा. इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी जीरो था और नॉन कंजर्वेटिव में नॉन जीरो रहेगा. बस ये पहली इसकी डेफिनेशन है. तो ये सारी बात यही बता रही है.
नेक्स्ट ये फॉर्मूला एफ यू आपको ज्यादातर गिवन होता है और आपसे फोर्स पूछी जाती है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया हुआ है क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव तो थी, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स उसमें भी एप्लीकेबल है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर उसमें एप्लीकेबल है। तो यू गिवन होता था, हम एफ निकालते थे, इसमें भी यू गिवन होगा, एफ निकालना है, बिल्कुल मेथड सेम है। तो ये हमने ये फॉर्मूला नोट कर लिया। नेक्स्ट है सपोज आपके पास ये एक पंप है और एक टैंक भरना है आपने और टैंक में पानी ऊपर चढ़ाना है भाई 40 मीटर। एफिशिएंसी जो है वो टैंक की कितनी है, एफिशिएंसी जो है वो 30% है। तो पंप में पानी ऊपर चढ़ रहा है तो पंप क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है, और हमसे क्या ले रहा है, बिजली की फॉर्म में एनर्जी ले रहा है। हमें निकालना है बिजली की फॉर्म में एनर्जी क्या है, तो इनपुट पावर निकालनी, और आउटपुट पावर क्या होगी, पंप कर क्या रहा है, पानी को टैंक में चढ़ा रहा है, तो आउटपुट वर्क डन क्या होगा, MGH। तो MGH पर टाइम क्या है, आउटपुट पावर है, इनपुट पावर बिजली की पावर है, एफिशिएंसी आपको गिवन है, यहाँ से कैलकुलेट करके इनपुट पावर आएगी। क्या क्वेश्चन आएगा मुझे मालूम नहीं है, पर पंप का काम जो है वो MGH है और इनपुट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, बस ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कभी भी कोई पेंडुलम यहाँ से यहाँ आए तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि जब पेंडुलम मूव करता है, ये सर्कल में कोई बॉडी मूव करती है और एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन और दूसरे की निकालनी है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहाँ पे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को इक्वल कर देंगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एम जी एच, इसको क्या मान लेंगे, ये ग्राउंड है, और काइनेटिक यहाँ पर क्या होगी, जीरो। और उसी तरीके से यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, इक्वेट करके आंसर आएगा। ठीक यहां तक। नेक्स्ट है वी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है इसमें एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये भी हो गया। एक प्लैंक है, मान लो एक बुलेट एंटर करती है विद वेलोसिटी ऑफ 100 और प्लैंक में ये बुलेट घुस जाती है विद और रुक जाती है, वेलोसिटी फाइनल जीरो, कवरिंग का डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो बताओ दूसरे केस में वेलोसिटी क्या हो ताकि वो 9 सेंटीमीटर पे आके रुके। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगी, जीरो हाफ एम 100 का स्क्वायर। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि नेगेटिव में होगा, ऐसे माइनस एफ इन टू एस। ठीक है यहां तक। उसी तरीके से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करके वी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। तो रूल क्या लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगी, समझ में आ रहा है यहां तक। तो प्लैंक वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्लियर है। नेक्स्ट है सपोज आपके पास कोई भी एक मान लो पेंडुलम है और पेंडुलम ठीक है आपके पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम कुछ ऐसे है, ये पेंडुलम यहां से यहां पे आ जाता है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है, कवरिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो आपको ये बता दूं कि आज के बाद शॉर्टकट यूज करूंगा कि ये हाइट क्या होगी, अगर ये ग्राउंड है तो अगर ये एल है, ये पूरे का पूरा एल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एल है तो ये साइड क्या बनेगी, एल कॉस थीटा। तो यहां से ये टोटल एल है पर ये साइड क्या बनेगी, एल कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू क्या बनेगी, एच एल माइनस एल कॉस थीटा। तो आज के बाद डायरेक्ट यूज करेंगे, तो अगर ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है और थीटा एंगल पर पेंडुलम है तो ये हाइट जो होगी वो एल माइनस एल कॉस थीटा यूज करनी है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसमें यही मेंशनड है, आपका पेंडुलम यहाँ से चला, रिलीज किया गया, तो काइनेटिक यहाँ पर जीरो है और पोटेंशियल क्या, एमजीएच है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम है, पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, एमजीएच, काइनेटिक क्या है, जीरो, यहाँ पर काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल क्या है, जीरो। और एच की वैल्यू को यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी कि 10 - 10 cos 30, पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आज करेंगे,
अगर एक बुलेट है और ब्लॉक के वो हिट करता है और ब्लॉक के अंदर रेस्ट पे आ जाता है और फिर वो कॉमन वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लगेगा, एम वन इंटू यू वन प्लस जीरो इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू कॉमन वेलोसिटी वी। तो यहाँ से वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो जैसे क्वेश्चन आएगा, 1 kg का ब्लॉक है, 10 m/s से आया, ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ था, इसने इसको टक्कर मारी और बुलेट रेस्ट पे आ गया, फिर दोनों इकट्ठे चल पड़े और हाइट अटेन की। तो रूल नंबर वन, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। टक्कर से पहले इस बुलेट की मोमेंटम ये रहा, ब्लॉक का जीरो है, फिर 1 kg 5 kg में घुस गया तो क्या आ गया, 6 × कॉमन वेलोसिटी वी, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, 10/6। तो कॉमन वेलोसिटी आ गई, तो कॉमन वेलोसिटी आ गई, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। 6 kg का ब्लॉक है, कॉमन वेलोसिटी 5/3 से चला, ये हाइट अटेन कर गया, यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, mgh, और h की जगह क्या पुट करेंगे, 1 − 1 cos θ, L − L cos θ, 1 − 1 cos θ, काइनेटिक है यहां पर जीरो, और यहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, काइनेटिक है 1/2 × 6 × 5/3 का होल स्क्वायर आंसर। तो यहां से आंसर आएगा, जैसे सपोज f वेक्टर गिवन है और एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, ये फाइनल है या इनिशियल है, तो आर टू वेक्टर फाइनल पोजिशन वेक्टर है, इसको आर बी वेक्टर ले लो, इसे आर ए वेक्टर ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, एस वेक्टर, फिर वर्क डन आएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यहां से आंसर आएगा। एक कॉर्ड है, रस्सी है, रस्सी से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर खींच रहे हैं तो या नीचे लेके जा रहे हैं, चलो इस क्वेश्चन में नीचे ले, वर्टिकली नीचे लेके जा रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, क्यों, रस्सी पे फोर्स आप कहां लगाओगे, ऊपर, पर खींचने के लिए ऊपर, लेकिन वो जा कहां रही है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे और फोर्स ऊपर है, एंगल उनके बीच में 180, तो एफ डी कॉस 180 इसका आंसर है। तो एफ की जगह वेट एम जी है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो नीचे एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट वाला केस याद करो, अगर कोई बॉडी नीचे एक्सेलरेट करेगी तो जहां जी दिख रहा है वहां जी माइनस ए हो जाएगा, वो बात की बात है, बट वर्क डन नेगेटिव होगा, ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन वाले क्वेश्चन आते थे, टेबल के ऊपर चेन पड़ी हुई है, तो अगर आपके पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है, ये चेन पड़ी हुई है, चेन की ये जो लेंथ है वो मान लो एल है, और आपको वर्क डन निकालना है इस चेन को टेबल पे रखने के लिए, क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो आपने इसमें क्या करना है, चेन का मास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर तरफ चेन का मास है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो आप इस कॉन्सेप्ट में क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, और मानते हैं इस पूरी चेन का मास एम यहां पे पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, एल बाई टू, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, एम जी इंटू कितना, एल बाई टू इज द आंसर। उसी तरीके से क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर ये टेबल है, टेबल के ऊपर जो चेन पड़ी हुई है वो ऐसे पड़ी हुई है, जो चेन है उसका जो मास है वो एम है, चेन की लेंथ एल है, और चेन हवा में कितनी लटकी हुई है, एल बाई सिक्स लटकी हुई है, तो ऑब्वियसली इसका मास भी क्या होगा, एम बाई सिक्स होगा। चेन को ऊपर उठा के रखने का वर्क डन निकालना है, तो ये m बाई सिक्स मास इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, l बाई 12, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, m बाई सिक्स इंटू जी इंटू एल बाई 12 इज द आंसर। तो ऐसे निकलेगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये रहा, अगर कोई पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v और एरिया ऑफ सेक्शन a है, और आपसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, हाफ मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, यह था ना एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी स्क्वायर इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्यूब हो जाएगा आंसर, क्लियर है यहां तक, वेलोसिटी क्यूब, ऐसे आंसर आएगा। जैसे एक ट्यूब है, ट्यूब में लिक्विड है, H1 H2 पे लिक्विड है, इसको ऐसे रखा हुआ है हमने और फिर इसको छोड़ दिया और ये न्यू एच हाइट अटेन कर गया, ठीक है, एच हाइट अटेन कर गया, आपको इसमें यह बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, क्योंकि इक्वलाइज करने में ग्रेविटी ने काम किया, तो क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो चेंज कैसे निकलेगा, चेंज ऐसे निकलेगा, यहां लिक्विड का मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ट्यूब ऐसे, तो इसमें ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, हम ये मानेंगे इसमें कि इसकी जो
इसका जो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, इसके सेंटर ऑफ मास पे है, तो इसका मास मान लो m है और वो g इंटू कितनी हाइट पर है, h वन बाई टू, ऐसे h वन बाई टू। तो ये क्या है, यहां पर इसकी एनर्जी है। अब ये मास क्या होगा, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच वन बाई टू। वॉल्यूम क्या है, एरिया a मान लो और हाइट क्या है, h1 है, तो एरिया इंटू हाइट h1 इंटू डेंसिटी इंटू जी एच वन बाई टू। ये इस साइड की क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई यहां पे, ऐसी यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम h1 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, h2। ये देखो किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम है जब इसको रिलीज करोगे, रिलीज करने पे हाइट h क्या होगी, ये गिवन नहीं होगी। तो हाइट h निकालने के लिए जितना वॉल्यूम इस ट्यूब में है प्लस जितना वॉल्यूम इस ट्यूब में है इज इक्वल टू जितना वॉल्यूम इस ट्यूब में प्लस जितना वॉल्यूम इस ट्यूब में इक्वेट करेंगे। तो इसमें कितना वॉल्यूम है, एरिया इंटू एच वन, इसमें कितना वॉल्यूम है, एरिया इंटू एच टू इज इक्वल टू इसमें कितना वॉल्यूम है, एरिया इंटू एच और एरिया इंटू एच। तो इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके आपने एच निकाल लिया। फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट साइड पे क्या है, एम जी इंटू एच वन बाई टू सेंटर ऑफ मास से। एम क्या है, वॉल्यूम एरिया इंटू एच वन इंटू डेंसिटी। ये लेफ्ट साइड की एनर्जी आ गई। राइट साइड की एनर्जी में एच वन की जगह एच टू किया, टोटल एनर्जी में दोनों को ऐड कर दिया। फिर फाइनल फाइनल स्टेट में क्या हुआ, फाइनल में एच वन एच टू की जगह हाइट बराबर हो गई एच एंड एच, तो फाइनल एनर्जी आ गई। फिर दोनों को माइनस किया, दोनों को माइनस करके वर्क डन की वैल्यू आ गई। तो ऐसे कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास याद रखना वेरिएबल फोर्स है, बहुत आते हैं क्वेश्चन ऐसे, अगर आपके पास फोर्स 10 न्यूटन है जो कि कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है जो कि कांस्टेंट है, तो वर्क डन की वैल्यू एफ इन टू एस मल्टीप्लाई कर देना 10 को 5 से, 50 जूल का आंसर आ जाएगा, बात ही क्लोज है। लेकिन अगर आपके पास फोर्स 2x है और आपकी बॉडी 1 मीटर से 4 मीटर तक जाती है, तो आपको जो वर्क डन निकालना है वो क्या करना है, वेरिएबल फोर्स है तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वेरिएबल फोर्स का, FTX का। तो FTX कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। तो F की वैल्यू पुट करेंगे, जब भी वेरिएबल फोर्स है इंटीग्रेशन ही यूज होगी और कोई तरीका नहीं है वर्क डन निकालने का, ठीक है, यहां तक इंटीग्रेशन यूज होगी। नेक्स्ट है, अगर मान लो U जो है X की फॉर्म में है, तो माइनस du by dx है फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था। लेकिन अगर मान लो जो U है वो X में भी है, Y में भी और Z में भी है, तो पार्शियल डेरिवेटिव याद है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है उसमें, पार्शियल डेरिवेटिव से फोर्स निकलेगी, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला सेम है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है और वो हॉरिजॉन्टल स्पीड 2 m/s से एंटर कर रही है। तो चलो ये ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है और इसकी वेलोसिटी क्या है 2 m/s से ब्लॉक चल रहा है। एंटर द रफ पैच, रास्ते में एक रफ पैच आ गया, रफ पैच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है जो कि -kx है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन -k/x है, तो वेरिएबल फ्रिक्शन है। कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू 0.1 m से लेके x इज इक्वल टू 2.01 m तक x की वैल्यू चल रही है, और इससे पहले और इसके बाद में फोर्स की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की 0, बस इतने पोर्शन में है। k की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5 है, तो k तो आपको गिवन ही है 0.5 है, तो -0.5/x ये फोर्स है। आपको क्या निकालना है,
आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी। देखो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक तो आपको पता है, हाफ इंटू वन इंटू टू का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी काइनेटिक आपको निकालनी है, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये लो इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ही आंसर आएगा। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन से वर्क डन आएगा। तो ये देखो किया हुआ है इसमें, चेंज ऑफ काइनेटिक वर्क डन बाय फ्रिक्शन इंटीग्रेशन से 0.1 से 2.01, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, वैसे ऑलरेडी नेगेटिव गिवन है इसमें, तो माइनस के बाय एक्स, इसको इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। ऐसी इंटीग्रेशन की जगह मेन वालों ने क्या किया या नीट वालों ने क्या किया, एफ माइनस के बाय एक्स देने की बजाय के एक्स दे दिया, क्योंकि 1 बाय एक्स तो लॉग में चला जाएगा, के एक्स में एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो इंटीग्रेशन ईजी कर दी। तो इस तरीके से आंसर आएगा, दूंगा अभी करने के लिए, अभी आएगा ये क्वेश्चन। अगर मान लो पावर पी है किसी बॉडी की कांस्टेंट और स्पीड वी है एक बॉडी की, तो वी और पावर क्या एक्स कैसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी है, फोर्स डीपी बाय डीटी है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, वी वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ कॉन्स्टेंट, डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, ये रहा डी एक्स बाई डी टी वी है, तो वी इंटू वी वी स्क्वायर है, डी टी राइट साइड पर चला गया, सॉरी डी एक्स राइट साइड पे चला गया, इसे इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया। तो एक शॉर्टकट नोट करो कि अगर पावर की वैल्यू कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वी का फॉर्मूला बड़ा स्टैंडर्ड है, ये सीधा मार्क करने को आएगा, इसके इक्वल होगा, और कभी कभी ये मार्क करने को आता है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, दैट फॉर्मूला है, इसमें कुछ चेंज होकर आता नहीं है, सीधा ही है। ठीक है, यहां तक कभी कभी ये भी आता है इसी टाइप में, इसी कोई मतलब इसकी एक्सटेंशन है, राधर ऐसे बोलना चाहिए, एक मिनट रुको, ये रहा। तो इसी के अंदर अगला पार्ट लिखो हमने ये वेलोसिटी निकाल ली एक्स एस की टर्म में, फिर एक और फॉर्मूला है वी को डी एस बाई डी टी लिखते हुए एस का और टाइम का रिलेशन ये लिखो, एस या एक्स, एक्स प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 3/2, सेम क्वेश्चन में एक्स और टाइम का रिलेशन या एस या टाइम का रिलेशन, एस प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 3/2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनलिटी में आता है, 3/2 मार्क कर देना बस सीधा, ठीक है, कि इंटीग्रेशन है, समय नहीं ना इतना, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो स्टैंडर्ड है ये। नेक्स्ट है, अगर आपको यू गिवन है और आपको एनर्जी से एक्स निकालना है जब पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यू से पहले देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो आप पहले फोर्स निकाल लें, एफ क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, U की जगह पुट कर लें, इसे डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करके F को जीरो कर लें, जीरो करके X की वैल्यू आएगी और वो X की वैल्यू आंसर है। मेडिकल में इतनी बड़ी इंटीग्रेशन नहीं आएगी, नॉन मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, पर मेडिकल में छोटी इंटीग्रेशन आ जाएगी या डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी, तो मेथड ये रहेगा इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स को जीरो करना है, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन,
बाई मैन है. देखो वर्क डन बाई मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाई मीन ऑफ रोप टाइट टू अ बकेट इज नेगेटिव. बाल्टी को खींच रहे हैं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव. एफ एस कॉस जीरो पॉजिटिव. वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ द वेल बाई अ रोप टाइट टू अ बकेट इज नेगेटिव. सही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगती है? नीचे. डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? ऊपर. तो वर्क डन नेगेटिव. बी तो पक्का है. वर्क डन बाई फ्रिक्शनल ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन इज पॉजिटिव. फ्रिक्शन का वर्क डन कभी पॉजिटिव होता ही नहीं, बात ही खत्म. वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो. सही है, क्यों? देखो वर्क डन बाई क्या? वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स है भाई, वर्क डन बाई फ्रिक्शन नहीं है जो नेगेटिव बोलोगे. मेरी अप्लाइड फोर्स है ऑन अ बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. एक बात बताओ, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? एक तरफ कह रहा हूं फ्रिक्शन है और एक तरफ कह रहा हूं कि फोर्स जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैंने तो फोर्स लगाई होगी ना. अगर मैंने फोर्स लगाई तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अपने आप छोड़ दिया तो वेलोसिटी रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो मैंने जो फोर्स अप्लाई की वो तो पॉजिटिव फोर्स है ना मेरी, क्योंकि फोर्स भी राइट है और मेरी डिस्प्लेसमेंट भी राइट है. तो मेरी वर्क डन की वैल्यू तो पॉजिटिव है, नेगेटिव होगी नहीं, तो जीरो तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें. और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव. बिल्कुल सही है, एयर की रेजिस्टेंस नेगेटिव वर्क डन ही करती है. तो सही है, बी आंसर आ गया. नेक्स्ट क्या करें, बस ये बता दो, कर दो फिर आंसर बता दो क्या. एफ डी एक्स किया, एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन जीरो से चार की, बट क्लोज हो गया, डन इंटीग्रेशन. हाँ तो एफ डी एक्स कॉस जीरो, तो एफ डी एक्स ही बचा बस. नहीं भाई, वेरिएबल फोर्स है, एक्स आ रहा है बीच में. अगर वेरिएबल फोर्स है तो एक्स भी तो बचा हुआ है. नेक्स्ट थर्टी, तीस है फिर से सेम. एफ फाइव एक्स है, तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन टू से फोर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर प्लस 40, क्योंकि पोजीशन वेक्टर टू अ पोजीशन वेक्टर दिस, फ्रॉम पोजीशन वेक्टर दिस, ये फाइनल और ये इनिशियल, तो आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर एस वेक्टर, तो एस वेक्टर आ गया, एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वर्क डन की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो 40 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या करें.
132, एफ की वैल्यू वाई के साथ चेंज हो रही है, वेरिएबल फोर्स है और वाई की वैल्यू 2 से 5 है, तो फिर क्या करेंगे, एफ डी वाई की इंटीग्रेशन 2 से 5 आंसर। एक जैसे क्वेश्चन है, सही है। नेक्स्ट, एक तो पक्का ट्रू है, स्टेटमेंट वन ट्रू है। कोई कहता मास बड़ा छोटा है, भाई उसने कहा काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमें क्या लेना किसका मास बड़ा और किसकी वेलोसिटी छोटी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम है और फाइनल दोनों की क्या है, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, तो एस भी दोनों में सेम है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, कार मूविंग टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट टर्न लेती है नॉर्थ, तो लास्ट टाइम किया था कि एक्सलेशन जनरेट हो जाती है अगर डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो कह रहा है कि एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो जाती है इसमें, जीरो। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सलेशन होगी जनरेट, तो ये गलत है और ये सही है। काइनेटिक एनर्जी ई क्या होती है, पी स्क्वायर बाई टू एम, मोमेंटम दोनों केस में सेम है, तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो अगर एनर्जी की रेशियो 16:9 है तो 9:16 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है इसके अंदर, इस फिगर में P नीचे आ रहा है स्लाइड करता हुआ, आपको वेलोसिटी V बतानी है, एनर्जी कंजर्वेशन बोला ना, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल सेम, तो काइनेटिक यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल यहां पर जीरो, काइनेटिक यहां पर जीरो, पोटेंशियल यहां पर एम जी एच, इक्वेट कर लेना, वेलोसिटी निकाल लेना आंसर, ठीक है यहां तक, तो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट,
क्या क्वेश्चन है? अ बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ एच वन एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ एच टू. रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर. तो ये रेशियो आपको गिवन है. परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो आप एक काम करेंगे, इसमें पहले काइनेटिक क्या है इतनी है, बाद में काइनेटिक क्या है इतनी है, पहले काइनेटिक क्या है इतनी है, इनटू 100. ये लो. तो हाफ एम हाफ एम हाफ एम कैंसिल. वी वन बाई वी वन क्या 1, और ये क्या बनेगा वी टू बाई वी वन का होल स्क्वायर इनटू 100. तो यहां से वी टू बाई वी वन की वैल्यू पुट कर लेना, जो कि क्या आएगी 1/4 का होल स्क्वायर इनटू 100 आंसर आ जाएगा यहां से कंपेयर करके. हाँ 325 ऐसे ही है, 300 कुछ नंबर ऐसे ही कुछ. मेथड समझ में आ रहा है क्या क्या करना है इसमें? ठीक, तो इसके अंदर आंसर आ रहा है 375. नेक्स्ट मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 50%. मतलब पहले मोमेंटम क्या था p, अब मोमेंटम क्या है p प्लस 50/100 इंटू p, यानी कि 150/100 इंटू p. ये नया मोमेंटम है, ये पुराना मोमेंटम है, ये नया मोमेंटम है. क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी नई, काइनेटिक एनर्जी पुरानी, काइनेटिक एनर्जी पुरानी इंटू 100. तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या है? p डैश स्क्वायर बाय 2m. पुरानी क्या है? p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m इनटू 100. तो p डैश की वैल्यू पुट करके आंसर निकाले, आंसर आएगा. तो आंसर आएगा यहां से. नेक्स्ट आंसर, इसका आंसर है 30. वो कह रहे हैं एक बॉडी का मास 5 है, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है 10 है, फोर्स मैंने 2 लगाई 5 सेकंड के लिए, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप एक काम करो, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इम्पल्स, और इम्पल्स का मतलब फोर्स इनटू टाइम. तो आपको इसमें इनिशियल मोमेंटम तो पता है कितना है 10, फोर्स की वैल्यू पता है 2 और 5, क्या आ जाएगा P2 आ गया, P2 स्क्वायर बाय 2m से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आंसर. नहीं, आपको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रादर इंक्रीज में क्या करोगे
पी टू स्क्वायर बाय टू एम माइनस पी वन स्क्वायर बाय टू एम, ये आंसर आ जाएगा, सही ना, ये होगा, यानी मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है यही होगा, मैं कह रहा हूँ, ट्राई कर लो एक बार, मैंने भी नहीं किया, मेथड बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं, चेक करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा ही आ रहा है आंसर, आएगा, समझ में आ रहा है, तो पी वन तो गिवन ही है, पी टू आपने निकाल लेना है, पी वन पी टू और मास भी पता है, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट सर, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं कर सकते? वर्क क्या करोगे बताओ, चेंज ऑफ काइनेटिक मतलब इज इक्वल टू एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे ना, अच्छा एस निकालोगे उसमें आप, एस जैसे वेलोसिटी दे रखी है तो, और टाइम, मतलब वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मोमेंटम दे रखा है वहां से, फिर और टाइम भी दे रखा है तो वहां से डिस्टेंस निकाल के, कर तो उससे नहीं हो सकते हैं, मेरे सकता? को लगता है कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, कर सकते हैं उसमें भी चेंज ही काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं, ऐसे चलेगा, नहीं पर आंसर नहीं आ रहा उसका, उसका आंसर 20 आ रहा है। अच्छा चेक करना प्लीज आप लोग, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, एक यस सर 20 आ रहा है, करके देखता हूँ। 5 kg की बॉडी है और मोमेंटम क्या है इसका 10, 2 न्यूटन की फोर्स है और 5 सेकेंड के लिए लगती है, तीस आ रहे हैं, आ गया आंसर, आ रहा है वो कह रहे हैं आंसर, तो पहले क्या निकाली, एक्सलेशन निकाली, फोर्स बाय मास से एक्सलेशन निकाली, फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस निकालना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या लिया मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम से, जीरो तो नहीं लिया, नहीं जीरो नहीं लेना ना यू, हाँ तो आपने जीरो तो नहीं लिया यू, सर जीरो ले लेते हैं, क्यों लिया, इनिशियल मोमेंटम पी वन है तो कैसे होगा, ओके सर ओके सर, ठीक है ठीक है,
करेक्ट आंसर। सेवन एटी फोर, आठ और एटी, तीन आंसर है। देखो जो वर्क डन, ठीक है, तो इसमें टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बाय अ बस ऑफ मास गिवन ऑन अ प्लेन रफ रोड फॉर 4 किलोमीटर डिस्टेंस वर्क डन बाय इंजन ऑफ द बस विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो उसे करना क्या है, स्पीड उसकी 80 किलोमीटर पर आवर है, उसको ओवरकम क्या करना है, फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेक्स इज वर्क डन, तो निकाल लेना वर्क डन, इतना ओवरकम करेगा तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर लेगा। नेक्स्ट, आंसर थ्री है, तो कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू यू, द एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज ई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम यू टू टू यू इज एनी, तो एन क्या है, तो हाफ एम यू स्क्वायर तो ई है, और हमने चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर फाइनल एंड इनिशियल इसके इक्वल है, और एम यू स्क्वायर को टू ई पुट करके यहां से थ्री आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है, यहां तक ठीक। फोर थाउजेंड है, 40 है, तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना है स्फेरिकल बॉडी जिसका मास 2 kg है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी एक्वायर कर लेती है एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड, फोर्स ऑन द बॉडी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से वी आ गया, वी यू प्लस ए टी, यू तो जीरो है, ए टी कितना आ गया, वेलोसिटी के इक्वल आ गया, यहाँ से सॉल्व करके एक्सीलरेशन क्या है, फोर्स बाय मास, तो वहाँ से फोर्स की वैल्यू, ठीक है, मतलब बेसिकली एनर्जी से वेलोसिटी, v is u plus at से acceleration, acceleration से force, ऐसे निकला है, ठीक। next है, medical के लिए नहीं है ये, बाकी सब mix है, ये only for non medical है, angle variable है।
तो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, फोर्स की वैल्यू इसमें कितनी लग रही है? 2 न्यूटन लग रही है, ये 2 न्यूटन है, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा? 2 cos थीटा, ये रहा, एंड एंगल इसमें के एक्स है, तो थीटा की वैल्यू इसमें वेरिएबल है, के एक्स है, तो क्या करना है इसमें? द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज के, आपको एन बताना है क्या है। तो इसके अंदर जब ये बॉडी मूव करेगी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, तो कौन सी फोर्स इसको आगे मूव करवाएगी? 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यही फोर्स है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको यहां से अब इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, 2 cos थीटा की जगह क्या के एक्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह क्या dv/dt, तो 2 cos kx इज इक्वल टू मास इनटू dv/dt को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर लें, क्योंकि टाइम मुझे चाहिए ही नहीं, तो dx/dt को v लिख सकते हैं, तो 2 cos kx इज इक्वल टू mv/dv/dx, तो dx को यहां ले जाएं और इंटीग्रेट करें तो v²/2 आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा अपने आप। ये देखो यही किया हुआ है इसमें, इसे कर लो, इसको इंटीग्रेट करके देखो जरा क्या आएगा, आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो इनिशियल एनर्जी तो जीरो ही है इसकी, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, वर्क नहीं थ्रम, यही तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे जब तो क्या आएगा, 2 cos kx into dx इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या आएगा mv/dv, इसे इंटीग्रेट कर दो ना, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो u से v तक, u तो जीरो ही है इसमें रादर, तो जीरो से लेके x तक, तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, m तो आया ही हुआ है, तो v²/2 - u²/2, यही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ½mv² - ½mu², बस इसकी इंटीग्रेशन आंसर होगा, तो 2 कितना आ रहा है, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आएगा, तो मेथड समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन मत देखें अपना, समझ में आ रहा है मैथ्स वालों को, इंटीग्रेशन उसमें मेडिकल में तो मुश्किल है इस क्वेश्चन का आना, ठीक है, ठीक है, चलो इसके बाद ये तो खत्म ही नहीं होंगे, ये अपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट जो है वो है कोलिजन्स, कोलिजन से भी पहले है स्प्रिंग, स्प्रिंग में दो चीजें काम की है, देखो स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते नहीं है, बीच बीच में यूज होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन आ गया, फोर्स आ गया, उसके ऊपर ज्यादा, जबकि स्प्रिंग के ऊपर लेक्चर काफी बड़े थे, लास्ट ईयर मैंने 2 वीडियो भी सुनी देखी थी, बताई थी आपको सुनने के लिए, पर चलो ज्यादा ओवरलोडिंग हो गई, वो ज्यादा सुन गए, बट इट्स ओके, पर फिर भी मैंने स्प्रिंग के ऊपर पूरा काम किया हुआ है। तो स्प्रिंग के अंदर दो ही चीजें काम की हैं जो मैं समझता हूँ, एक स्प्रिंग की फोर्स है और एक स्प्रिंग की एनर्जी है। तो जब भी कोई क्वेश्चन में फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो, तो स्प्रिंग की फोर्स का फॉर्मूला k·x है, और स्प्रिंग का वर्क डन या स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला ½kx² है, ठीक, तो kx है और ½kx² है, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, सपोज करो आपके पास एक अनस्ट्रेच स्प्रिंग है, खींचा नहीं हुआ, और आपने इसके नीचे मास लगा दिया और रेस्ट पे कर दिया, तो ये अब सिस्टम रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब किस पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो मान लो ये कितना स्ट्रेच हो गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट हो गया, तो इसका वेट क्या है mg, और स्प्रिंग की फोर्स क्या है एक्स नॉट, क्योंकि वर्ड इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब mg किसके इक्वल है एक्स नॉट, तो इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फोर्स को बैलेंस करके एक्स नॉट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन ये तो तब लगेगा फोर्स का कॉन्सेप्ट जब कोई चीज रेस्ट पे पड़ी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आए, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन आता है जिसमें कि जैसे ही केस है, एक ब्लॉक ऊपर से आ रहा है, स्लाइड करता हुआ, फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर देता है, तो स्प्रिंग की मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ क्या होगी? तो जब ये ब्लॉक यहां पे चला, सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी इस पॉइंट पर, सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड स्प्रिंग एनर्जी इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम, तो पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या होगी, mgh लगा लेना,
काइनेटिक क्या होगी, जीरो, और स्प्रिंग अभी कंप्रेस नहीं क्योंकि ब्लॉक तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक जीरो, और स्प्रिंग की एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, एक्स मैक्स का स्क्वायर, तो इक्वेट करके एक्स मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये भी क्लियर है यहाँ तक, तो आप स्प्रिंग की एनर्जी को इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हो। स्प्रिंग के अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो सीरीज के अंदर ये इक्वलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नोट करें, 1 by KS, 1 by K1 plus 1 by K2, और अगर स्प्रिंग पैरेलल में है तो K is equal to K1 plus K2 नोट करें। तो सीरीज और पैरेलल का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है, सीरीज और पैरेलल हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। तो अगर आपने एक स्प्रिंग को काट दिया, खींचा नहीं, काट के लेंथ को L/2 कर दिया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तो अगर तीन हिस्सों में काट दिया तो 3 के 3 के 3 की हो जाएगा, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, इसके अंदर जैसे अगर कोई स्प्रिंग है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है अभी, अगर कोई स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है और यहाँ मास है, इसको गोल 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 घुमा रहे हैं, तो मान लो स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया बाय एक्स और एल प्लस एक्स रेडियस में घूम रहा है, अभी अंदर बाहर तो आ नहीं रहा, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो बाहर की तरफ कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल है एम एल प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर, और अंदर की फोर्स क्या है के एक्स, और ये इसी डिस्टेंस पे घूम रहा है, तो अंदर और बाहर की फोर्स इक्वेट करके आंसर आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो स्प्रिंग की फोर्स का सर्कुलर में समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है देखो कोलिजन्स। कोलिजन्स के अंदर आपको जो मेजरली कोलिजन्स में ये बताया गया कि तीन किस्म की कोलिजन्स हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये दो किस्म की कोलिजन, इलास्टिक इन इलास्टिक, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात है। नेक्स्ट है इन इलास्टिक, और तीसरी है परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें बॉडी स्ट्राइक करती है दूसरी बॉडी को और उनकी सेपरेशन नहीं होती। इलास्टिक में एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं है, इन इलास्टिक में है, और परफेक्टली में तो 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, चाहे कोई भी कोलिजन हो। रूल नंबर 1, मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, एनर्जी इसमें कॉन्स्टेंट रहेगी, उनमें कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। जब मैं बोलता हूँ मोमेंटम कांस्टेंट, तो उसका मतलब ये होता है टक्कर से पहले मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, इस टक्कर के बाद मोमेंटम यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वेट करना है, तो ये इसका मतलब है। और इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व तो रहता है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ये पता होना चाहिए। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में सेपरेशन नहीं है। आज हमने किया हाउ टू कैलकुलेट कॉमन वेलोसिटी, टक्कर से पहले मोमेंटम m1 u1 और इसका जीरो, टक्कर के बाद m1 प्लस m2 इनटू v कॉमन, तो v कॉमन कैन बी कैलकुलेटेड, ये पता होना चाहिए। तो कोलिजन बेसिकली जो मैंने यहाँ शीट्स में लिखी हुई है ऐसे लिखी हुई है, इलास्टिक में 1D 2D, इन इलास्टिक में 1D 2D और परफेक्टली में तो एक ही एक्सिस होता है। इलास्टिक 1D में, 1D का मतलब बॉल आएगी उसी एक्सिस पे चलेगी, सेपरेशन नहीं होगी। तो इलास्टिक 1D में मान लो U1 और U2 टक्कर से पहले वेलोसिटीज हैं और टक्कर के बाद V1 V2, तो V1 V2 के दो फॉर्मूलाज यहाँ पे सीधा नोट करो, V1 V2 के ये दो फॉर्मूलाज नोट करो, ये रहे ये रहे, तो ये फॉर्मूला नोट करो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इलास्टिक कोलिजन 1D में ये फॉर्मूलाज काम आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो भी नोट करना चाहते हो इसमें नोट कर लो, ये फॉर्मूलाज काम आएंगे फॉर V1 एंड V2। यहां तक दूसरा, इलास्टिक कोलिजन में अगर मासेस दोनों बॉल्स के बराबर हैं, इसमें m1 m2 लिया लेकिन अगर बराबर है तो वेलोसिटी एक्सचेंज रहेंगे, याद रखना। जैसे न्यूमेरिकल में m और m इलास्टिक कोलिजन 1D में, टक्कर से पहले वेलोसिटी 10 और 5 है, टक्कर के बाद 5 और 10 हो जाएगी। टक्कर से पहले वेलोसिटी 10 और 5 है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये 5 इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, टक्कर से पहले 10 है और 0 है, टक्कर के बाद ये 0 और 10 हो जाएगा, ये भी क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, इन इलास्टिक कोलिजन, नहीं इन इलास्टिक से पहले रुको, तो वापस चलते हैं इसमें, अगला फॉर्मूला नोट करें, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस अपॉन इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस। तो ये E का फॉर्मूला नोट करें,
रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। रेस्टिट्यूशन क्वेश्चन में गिवन होते हैं आपको, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, इसमें ई की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की होती है 1, जो बॉडी चिपक जाती है परफेक्टली इनइलास्टिक की 0, और वैसे 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन होती है। तो ये नोट करने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल में वैसे गिवन ही होती है, प्रॉब्लम ही खत्म है इसकी। तो नेक्स्ट है, रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना कैसे है। इसको लगाने के लिए अभी मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। ये इलास्टिक कोलिजन और 1D की के फॉर्मूलाज है पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट है, जब मोमेंटम कंजर्वेशन, अब ऐसे लगता है जब दो बॉल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और कहीं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ तो ऐसे लगेगा 5×10 पॉजिटिव, लेकिन 5×2 नेगेटिव। तो राइट का मोमेंटम पॉजिटिव, लेफ्ट का मोमेंटम नेगेटिव, इज m1v1 + m2v2। तो जो डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है उसको नेगेटिव लगाना है आपने न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट है, सपोज करो एक क्वेश्चन में आपको मास गिवन है m और बॉल मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ u। वो एक रेस्ट पे पड़े हुए बॉल को टक्कर मारती है और रेस्ट पे पड़ा हुआ मास है km। आफ्टर टक्कर इसकी वेलोसिटी v1 है, आफ्टर टक्कर इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक हो गया यहां तक। v1 v2 आ गई। तो अगर मैं पूछूं कि कितनी एनर्जी इस बॉल ने इसको ट्रांसफर कर दी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके पास तो पहले कुछ नहीं था, अब इसके पास एनर्जी है कितनी, 1/2 × km × v2² तो ये एनर्जी ट्रांसफर्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी में इन दोनों का सम कर दो तो वही टोटल है इसका, तो एनर्जी है नहीं, तो इसकी एनर्जी क्या है, 1/2 mu² ये। तो अगर मैं v2 की वैल्यू इस बड़े से फॉर्मूले से निकाल लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का ये फॉर्मूला आएगा। तो सीधा फॉर्मूला आ गया, अगर सेकेंड बॉल रेस्ट पे है, पहली बॉल टक्कर मारती है, तो फॉर्मूला है 4k/k+1² तो k का मतलब जैसे सेकेंड बॉल का मास थ्राइस है तो k को 3 पुट कर दो, 4 times है तो 4 पुट कर दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला क्लियर है, नहीं है तो याद तो फिर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो ना इन इलास्टिक के ऊपर है, बताता हूँ कैसे। देखो इन इलास्टिक में कुछ ऐसे गिवन है, इन इलास्टिक कोलिजन में रूल नंबर 1 ये याद रखना, अगर मान लो ये ग्राउंड है और यहां रेस्टिट्यूशन है, अगर कोई बॉल v वेलोसिटी से आती है तो जाने की वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगी, ये रूल नंबर 1 है, शॉर्टकट है। तो टक्कर के बाद वेलोसिटी e टाइम्स हो जाती है, v अगर हाफ है तो हाफ हो जाएगी, 1/3 है तो 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई बॉल h हाइट से नीचे गिरती है, अगली हाइट उसकी लॉस करने के बाद रेस्टिट्यूशन के बाद h डैश है, तो h डैश की वैल्यू e²h हो जाती है। तो शॉर्टकट है, एक थप्पे के बाद हाइट e²h हो जाती है। अगले में क्या हो जाएगी, e^4h हो जाएगी, अगले में क्या हो जाएगी, e^6h हो जाएगी, करते करते e^2nh हो जाएगी। ये लो h की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फॉर्मूला है, वेलोसिटी में कितनी टाइम हो जाएगी, e टाइम हो जाएगी, नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, e²v हो जाएगी, नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, e³v हो जाएगी, nth में क्या हो जाएगी, e^n हो जाएगी। ये लो, ठीक है यहां तक। तो वेलोसिटी का रिजल्ट में e टाइम हो जाता है, हाइट के रिजल्ट में हर थप्पे के बाद e² टाइम हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम, मान लो एक बॉल t टाइम में नीचे गिरती है h हाइट से, रेस्टिट्यूशन e है, तो अगली बार कितने टाइम में गिरेगी, e टाइम्स टाइम में गिरेगी। पहला टाइम अगर t है तो दूसरा e टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट e² हो जाएगा, नेक्स्ट करते करते e^n हो जाएगी। तो ये रूल भी आपने याद रखना है ऐसे। तो हाइट जो है वो e² होती है, बाकी सब e टाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी शॉर्टकट क्लियर हो गया सीधा, हर कोलिजन के बाद क्या होगा समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है, ये सब यही एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें।
ये लो कोलिजन का पहला न्यूमेरिकल देखो, पार्टिकल जिसका मास क्या है एम, वेलोसिटी क्या है वी, स्टेशनरी पार्टिकल का मतलब मोमेंटम जीरो, आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर, स्टिक का मतलब मास एम प्लस 2m, एंड फाइंड कॉमन वेलोसिटी, निकाल लेना कॉमन वेलोसिटी, आंसर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ तक ट्राई कर लो, कल टेस्ट नहीं है, कोलिजन और सेंटर ऑफ मास इकट्ठा करना है।